अगर वाकई में ही महिला वजन घटाना चाहती हैं तो आज हम बताएंगे महिलाओं के लिए डाइट प्लान। आइए जानते हैं कि महिलाओं को वजन घटाने के लिए किन तरह का आहार लेना चाहिए। अपने आहार में लो फैट दूध या दही को शामिल करें। दूध में फैट कम करने के लिए उसमें से मलाई को हटा दें। जिन्हें दूध या सोया प्रोडक्ट से एलर्जी है वे राजमा, नींबू, टमाटर, मेथी, पालक, बादाम, काजू जैसी चीज़ों खाकर कैल्शियम की कमी पूरी कर सकते हैं। महिलाओं के लिए मौसमी का फल सेवन करना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। अगर आप जूस की जगह साबुत फल खाएं तो बेहतर है। सेब और बेरी भी खा सकते हैं। सेब में पेक्टिन केमिकल होता है। सेब के साथ साथ ज़्यादातर सभी फलों के छिलके में पेक्टिन पाया जाता है। यह शरीर पर जमा फैट को कम करता है। सोयाबीन में मौजूद लेस्टिन केमिकल सेल्स पर फैट जमा होने से रोकता है। हफ्ते में कम से कम 3 बार सोयाबीन खाने से शरीर में फैट से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। सोयाबीन को अंकुरित करके रोज सुबह लिया जा सकता है। इसके अलावा लहसुन का रस शरीर में मौजूद फैट्स को कम करने में मददगार है। लहसुन कच्चा खाएं और चबा चबा कर खाएं तो बेहतर है। साथ ही मुट्ठी भर नट्स रोज खाना चाहिए। इसमें बादाम, किशमिश, अखरोट और पिस्ता ले सकते हैं, लेकिन ये फ्राइड ना हो। इनमें नमक भी नहीं होना चाहिए। भोजन से पहले फल खाना एक अच्छा विकल्प है। किसी भी भारी भोजन से कम 30 मिनट पहले फल खाने की सलाह दी जाती है। इस तरह फल जल्दी पच जाते हैं। खाली पेट पर फल खाने से आपको सिस्टम अच्छा हो जाता है और वजन कम करने के लिए आपको ज़्यादा ऊर्जा देता है। आप सूप का सेवन भी कर सकते हैं। भोजन की शुरुआत में सूप ले, क्योंकि यह आपकी भूख को नियंत्रण रखता है और खाना खाने की क्रिया को धीमा करने कर देता है। क्रीम युक्त सूप नहीं लें, यह वसा और कैलोरीज में उच्च हो सकता है। महिला अपनी डाइट में पानी व तरल पदार्थ जरूर लें। दिन में 2 से 3 लीटर वह तरल पदार्थ ले सकते हैं। पानी ना सिर्फ फैट कम करता है बल्कि शरीर में जहरीले तत्वों को भी निकालता है। यह भूख कम करता है और कब्ज रोकता है। खाने के 15 मिनट बाद गर्म पानी पीना चाहिए 1 गिलास। जब भी पानी पिए ठंडा या सादा की बजाय गुनगुना पानी पीना बहुत फायदेमंद होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें।